अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बहुत बहुत बधाई। हमारे भावों तथा विचारों का निर्माण मातृभाषा में होता है, इसलिए बेहतर सीखने के लिए, संस्कृति से जुड़ने के लिए तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मातृभाषा का जीवन में विशेष महत्व है। हमारे देश में सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के बीच एकता सर्वत्र दिखाई देती है। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा का संकल्प है। संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा माना जाता है, जिसमें लक्ष्यों और मूल्यों की स्पष्ट व्याख्या है। साथ ही संविधान का दर्शन भी इसके माध्यम से प्रकट होता है। हम सभी को इससे परिचित होना चाहिए। भारतीय संविधान में अनेक भाषाओं को मान्यता दी गई है। उन विभिन्न भाषाओं तथा सांकेतिक भाषा में संविधान की प्रस्तावना को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ভাৰতৰ সংবিধান প্ৰস্তাৱন। আমি ভাৰতৰ লোকসমূহে ভাৰতক এখন সাৰ্বভৌম, সমাজবাদী, ধৰ্মনিৰপেক্ষ, লোকতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য ৰূপে গঠন কৰিবলৈ তথা ইয়াৰ সকলো নাগৰিকৰ বাবে সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ন্যায়, চিন্তা, অভিব্যক্তি, বিশ্বাস, ধৰ্ম আৰু উপাসনাৰ স্বাধীনতা প্ৰতিষ্ঠা আৰু সুযোগৰ ক্ষমতা লাভ কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ সকলোৰ মাজত ব্যক্তি মৰ্যাদা তথা জাতীয় একৈ আৰু সংহতি সুনিশ্চিতকাৰী ভাতৃভাৱ বৃদ্ধি কৰিবলৈ নিষ্ঠা সহকাৰে সংকল্প কৰি আমাৰ এই সংবিধান সভাত 26 নৱেম্বৰ 1949 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ ষষ্ঠবিংশ দিৱসত ইয়াৰ দ্বাৰা এই সংবিধান গ্ৰহণ কৰিছোঁ, অধিনিয়মিত কৰিছোঁ আৰু নিজতে অৰ্পণ কৰিছোঁ। ভারতের সংবিধান প্রস্তাবনা। আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে গড়িয়া তুলিতে এবং উহার সকল নাগরিক যাহাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায় বিচার, চিন্তার অভিব্যক্তির, বিশ্বাসের, ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা, প্রতিষ্ঠা ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতভাবে লাভ করেন এবং তাহাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য ও সংহতি আশ্বাসক ভাতৃভাব বর্তিত হয়। তজ্জন্য সত্যনিষ্ঠার সহিত সংকল্প করিয়া আমাদের সংবিধান সভায় অদ্য 26 নভেম্বর 1949 তারিখে আত্মদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করিতেছে, বিধিবদ্ধ করিতেছে এবং আমাদিগকে অপরণ করিতেছে। ভারতনি সংবিজিতনি সায়াও রায়ফরনাই। ভারতনি সংবিজিত জং গাসাই ভারতারি সৈতটি গোসেজং সমাইলায় যে সংবিজিরাও থিসনজানাই খুংথাই গোহ, সমাজকান্তি সমানতিনি আখু, সুবুংকান্তি সুবুংদারা আরো গাসাই রাইজো রাজানো বিজিরথাই, সমাজ রাংকান্তি আরো রাজকান্তিনি উদাংশ্রী, শান্তি ফরমাইতি ফথাইতি আরো ফুজিতিনি সমানথাই, সুবিধাবাদি থামোনথা আরো বয়নিসিমবো গোসারহনাই, লগতি সাফ্রম সুবুংকৌ ফথাইতি হনাই আরো খৌসেথি আরো সৈতথিজং হাদরকৌ অনসাইনাই। জংনি সংবিজিরারি সাউরাইমাজং 26 নভেম্বরনি 1949 সসন্নাই মাউফুংনাই আরো গুবুনফুরনো হনাইকৌ জংনি সংবিজিরাও। ভারত দা সংবিধান। উস ভারত দে লোক ভারত গি এক সম্পূর্ণ প্রভুত্ব সম্পন্ন সমাজবাদী পথ নিরপেক্ষ লোকতান্ত্রিক গণরাজ্য বানানে আস্তে চে উসদে সামনে নাগরিকে গি সামাজিক আস্থি দে রাজনৈতিক ন্যায়
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म ते उपासना दी स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा ते मौके दी समता प्राप्त कराने आस्ते ते उन्हें सामने वे महानों दी गरिमा ते राष्ट्र दी एकता ते अखंडता सुनिश्चित कराने आले भाईचारे गी बधाने आस्ते पक्के इरादे कन्ने अपने इस संविधान सभा च अजे दी तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2 डहार छे विक्रमी गी इद्दत द्वारा इस संविधान गी अंगीकृत अधिनियमित ते आत्मप्रत करने आ। भारत संविधान प्रस्तावना तमे भारत ने लोगो भारतेन खड़े सौर्व साफसी सभावाही किसान कृष्टिक लोकतंत्र सभ्रास्तिक तरीके संस्थापित करानो तथा तने सर्व नागरिकों ने संभारक्ष केवम राष्ट्रीय न्याय वियार्ख शांति बनायता धर्म खने उपसानी स्वतंत्रता खने तरीके सम्मानता प्राप्त थाय तमे करवानो व्यक्तियोंनो गर्व राष्ट्रीय खड़ेकता खने सर्व करे खेवी जुड़ता वृष्क वासवनो गंभीरता पूर्वक संकल्प करीने खबारी संविधान सरपल 26 नवंबर 1949 खानी का संविधान खपसवानी तेवे नियमित करी खविते पुतेने समर्पित तरीके चीखे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಮಾಜವಾದಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣತಂತ್ರವನ್ನಾಗಿ ವಿಧಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಚಾರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘನತೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಾತೃತ್ವತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ 1949 ನವೆಂಬರ್ ಮಾಹೆಯ 26ನೇ ದಿನದಂದು ನಾವಾಗಿ ನಾವೇ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶಾಸನವನ್ನಾಗಿ ವಿಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಸ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕೋ ಲೂಕೋ ಚು ವಾದ ಕೋರ್ಮುತ್ ಜಿ ಅಸ್ ಬನಾವೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸಿಯಾಸಿ ಸಮಾಜಿ ತ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಎದ್ಬಾರ್ ಅ ಖುದ್ ಮಖ್ತಾರ್ ಮುಲ್ಕ್ ತ ಬೇ ಬನಾವೋ ಸಾರ್ನಿ ರೋಜನ್ ವಾಲನ್ ಖತ್ರ ಮಹಫೂಜ್ ಜಾಯ್ ಯುತು ಯೋತ್ನ ಬಲ್ಕಿ ಲೂಕನ್ ಸಮಾಜಿ سیاسی تو اقتصادی انصاف بیس پریت کانس پنن خیالات ہن اظہار کرنک حق تو آزادی یت یوت نا بلکہ پریت کانس اعتقاد ایمان تو عبادت کرنچ آزادی ساری آسن ہوی تو سارنی یی برابر حقوق دن بی کرو ساری یت برادری تو بھائی چار قائم یم سیت لکن ہن وقار تو عزت بڑھ تو بی بنی قوم متحد تو مضبوط ییمہِ سۭتۍ اکھ فرد تہٕ بیٚیہِ سورُے قوم عزتٕچ زندگی بسر کرِ. بھارتچہِ سنوِدھان اُدیشِکا
आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सर्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवपाचो आणि त्याच्या सगळ्या नागरिकांक सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना हांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची आणि संधीची समानता निश्चितपणान प्राप्त करून दिवपाचो आणि त्या सगळ्यामध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकताय आणि एकात्मताय हांचे आश्वासन दिवपी भावकी प्रवर्धित करपाचो संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमचे हे संविधान सभेत आज तारीख 24 नोव्हेंबर 1949 दिसा म्हणजेच मी ती मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सवत 2006 विक्रमी हे वरवी हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करतात. हमसब भारतक निवासी, भारत क एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनेबाक हेतु एवं ओकर समस्त नागरिक के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासनाक स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसरक समता प्राप्त करवाक हेतु एवं ओकरा सब में व्यक्तिक गरिमा और राष्ट्रक एकता अखंडता सुनिश्चित करत वाला बंधुता बढ़ेबाक हेतु दृढ़ संकल्पित भय के अपन यही संविधान सभा में आय तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी के यही संविधान के अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करित छी. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആമുഖം. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ, ഇന്ത്യയെ ഒരു പരമാധികാര സ്ഥിതി സമത്വ മതേതര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിനും ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ പൗരർക്കും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും ആയ നീതി, ചിന്ത, ആശയ ആവിഷ്കാരം, വിശ്വാസം, ഭക്തി, ആരാധന എന്നിവയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ എന്നിവയുള്ള സമത്വം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഐക്യവും അഭിന്ദയവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സാഹോദര്യം എല്ലാവരിലും വളർത്തുന്നതിനും ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടന സഭയിൽ വെച്ച് 1949 നവംബറിൻ്റെ 26 ദിവസം ഈ ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കുകയും നിയമമാക്കുകയും നമുക്കായി തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯚꯥꯔꯠꯄꯨ ꯃꯤꯈꯥ ꯊꯥꯗꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯁꯃꯥꯖꯕꯥꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯏꯁꯪ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯥꯗꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ 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 ꯃꯈꯣꯏ
ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯗ ꯄꯤꯁꯤꯟꯖꯔꯦ꯫ ꯚꯥꯔꯠꯇꯥꯆꯦ ꯁꯝꯕꯤꯙꯥꯟ ꯎꯗꯦꯁꯤꯀꯥ ꯑꯥꯃꯤ ꯚꯥꯔꯠꯇꯥꯆꯦ ꯂꯣꯛ ꯚꯥꯔꯠꯇꯥꯆꯦ ꯑꯦꯛ ꯁꯥꯔꯕꯚꯧꯝ ꯁꯃꯥꯖꯋꯥꯗꯤ ꯙꯔꯃ ꯅꯤꯔꯄꯦꯛꯁ ꯂꯣꯛꯁꯥꯍꯤ ꯒꯅꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯘꯗꯧꯅꯦꯆ ꯋꯥ ꯇꯥꯆꯥ ꯁꯔꯕ ꯅꯥꯒ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯁ ꯁꯥꯃꯥꯖꯤꯛ ꯑꯥꯔꯊꯤꯛ ꯋꯥ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯛ ꯅ꯭ꯌꯥꯏ ꯚꯤꯆꯥꯔ ꯑꯚꯤꯚ꯭ꯌꯛꯇꯤ ꯚꯤꯁ꯭ꯋꯥꯁ ꯁ꯭ꯔꯗ꯭ꯙꯥ ꯋꯥ ꯎꯄꯥꯁꯅꯥ ꯌꯥꯟꯆꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯇꯟꯇ꯭ꯔ ꯗꯔꯖꯥꯆꯤ ꯋ ꯁꯟꯙꯤꯆꯤ ꯁꯃꯥꯅꯇꯥ ꯅꯤꯁ꯭ꯆꯤꯠꯄꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯞ꯭ꯇ ꯀꯔꯨꯝ ꯗꯦꯅꯥꯆ ꯑꯅꯤ ꯇ ꯁꯔꯕꯥꯟ ꯃꯙ꯭ꯌ ꯚ꯭ꯌꯛꯇꯤꯆꯤ ꯄ꯭ꯔꯇꯤꯁ꯭ꯊꯥ ꯋ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯆꯤ ꯑꯦꯛꯇꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯦꯀꯥꯠꯃꯇꯥ ꯌꯥꯟꯆꯦ ꯑꯥꯁ꯭ꯋꯥꯁꯟ ꯗꯦꯅꯥꯔꯤ ꯕꯟꯙꯨꯇꯥ
प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करत आहोत. भारत को संविधान उद्देशिका. हमी भारत का जनता भारत लई एवटा बनानु को लागी तथा इसका समस्त नागरिका सामाजिक आर्थिक अनि राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म अनि उपासना को स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अनि अवसरा को समानता प्रास गरौना को लागी तथा ती सब व्यक्ति को गरिमा अनि सनुचित गर्ने बंधुता बरौना को लागी दृढ़ संकल्प भएर अपनो इस संविधान सभा मा आज गरीब 26 नवंबर 1949 मा एतद द्वारा इस संविधान लाई अंगीकृत अभिनियमित अनि आम प्रियतित गर्दछ. भारतर संविधान प्रस्तावना. आमे भारतर लोके भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र आत्मक गणराज्य गठन करबा निमित्त एवं एहार समस्त नागरिक को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म व उपासना र स्वाधीनता एवं प्रतिष्ठा व सुजोग र समता प्राप्त करैबा निमित्त तथा सेमानक मध्यरे व्यक्तिर गरिमा व राष्ट्रर एकता व अखंडता को सुनिश्चित करूथिबा भातृत्व वर्धन करैबा निमित्त दृढ़ संकल्प होई आंबो मानंकर एही संविधान सभारे अध्य 1949 मस्या नवेम्बर मास षडविंश दिवसरे एही संविधान को एत द्वारा अंगीकृत अभिनियमित एवं आत्मर्पित करूअछु. असी भारत दे लोक भारत नूं एक प्रभुताधारी लोकतंत्री प्रस्तावना गणराज बनाउण लई अते उस दे सब नागरिकां नूं समाजक आधारक अते राजनीतिक नियां विचार प्रगटाओ विश्वास धर्म अते उपासना दी संतंत्रता प्रशिष्टा अते अवसर दी सम्मता प्राप्त कराउण लई अते उन्हां सभना विचकार व्यक्ति दा ग्रोवर अते कौम दी एकता सुनिश्चित करन वाली परंपरा वधाउण लई दृढ़ मन होके अपने संविधान सभा विच नवंबर 1949 दे इस 26वें दिन इस द्वारा इस संविधान नू अंगीकार करदे एक्ट बनाउंदे अते अपने आप नू अर्पदे हां. भारतस्य संविधानम् प्रस्तावना. वयम् भारतस्य जनाः भारतम् संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नम् समाजवादिनम् संप्रदाय निरपेक्षम् लोकतंत्रात्मकम् गणराज्यम् विधातुम् तस्य समस्तान् नागरिकाश्च सामाजिकम् आर्थिकम् राजनीतिकम् च न्यायम् विचारस्य अभिव्यक्तेः आस्थायाः धर्मस्य उपासनायाश्च स्वतंत्रतां प्रतिष्ठायाः अवसरस्य च समतां प्राप्यतुं तेषु सर्वेषु च व्यक्ति गौरवस्य राष्ट्रस्य एकतायाः अखंडतायाश्च सुनिश्चायिकां बंधुत्वां वर्धयितुं कृतदृढ़संकल्पाः अस्याम् अस्मदीयायां संविधानसभायां अद्य क्रिस्तीय 1949 तमे वर्षे नवंबर मासस्य 26वें तमे दिने एतेन इदं संविधानं अंगीकृतं अधिनियमितं आत्मार्पितं च कुर्महे.
भारत रिया संविधान जस्ते आबु भारत रन हर भारत द मिटेन पुरव अपनार समाज तैयार बेगोर बचाव हर कुआ गणराज तैयार लगी आर ओनारेन मिमिट मनवा को बखरा समाज तैयार कवड़ी सला आर राजनीतिक हर विचार सदर विश्वास धर्म आर देवा सेवा रिया छाड़ मानत आर अत रिया सुमानते न्याम उचुकु लगी आर ओना करे होड़ा मान आर दिसम रिया मिदु आर बेहटी दिढ़ु उचुई लिकाना तनल लगी दिढ़ु कते अपनार नुआ संविधान दुड़ुब रे तिहिं बार गेल तुरुई नवेम्बर गेल आरे साय पून गेल आरे बच्चर रे नुआ होते ते नुआ संविधान ले आंगोचिदा आर बैठो जों कना आर ओना ले सुपुरुतेत कना। असां भारत जा मानू भारत के एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य ठाहिण लाइ ऐं हुननि जे समस्त नागरिकन के सामाजिक आर्थिक ऐं राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म ऐं उपासना जी स्वतंत्रता प्रतिष्ठा ऐं अवसर जी क्षमता प्रदान करण लाइ ऐं हुन सब में व्यक्ति जी गरिमा राष्ट्र जी एकता अखंडता सुनिश्चित करण वारी बंधुता वधाइण लाइ दृढ़ संकल्प थी करे पंहिंजी हिन संविधान सभा में अज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2000 विक्रमी के एतत संविधान के अंगीकृत अधिनियमित ऐं आत्म अर्पित कंदासीं। இந்திய மக்களாகிய நாம் இந்திய நாட்டினை இயறாண்மையும் சமநில சமுதாயமும் சமய சார்பின்மையும் மக்களாட்சி முறையும் அமைந்ததொரு குடியரசாக நிறுவவும். அதன் குடிமக்கள் அனைவரும் சமுதாய பொருளியல் அரசியல் நீதி என்னும் அதன் வெளியோடு கோட்பாடு சமநல நம்பிக்கை வழிபாடு இவற்றில் தன் உரிமை சமய படிநிலை வாய்ப்பு நலம் இவற்றில் சமாண்மை ஆகியவற்றை எய்திடச் செய்யவும். அவர்கள் அனைவரிடையையும் தனி மனிதன் மாண்பு நாட்டு மக்களின் ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு இவற்றை உறுதிப்படுத்தணும். உடன் பிறப்புரிமையினை வளர்க்கவும். உள்ளார்ந்த உறுதியுடையவராய் நம்முடைய அரசமைப்பை பேரவையில் 19 நவம்பர் 26 இன்று இங்கிதனால் இந்த அரசமைப்பினை ஏற்றி நமக்கு நாமே வழங்கிக் கொள்கிறோம். భారతదేశ ప్రజలమైన మేము భారతదేశాన్ని సర్వసత్తాక సామ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యంగా నిర్మించుకోవడానికి పౌరులందరికీ సాంఘిక ఆర్థిక రాజకీయ న్యాయాన్ని ఆలోచన భావ ప్రకటన విశ్వాసం ధర్మం ఆరాధనలో స్వాతంత్ర్యాన్ని అంతస్తుల్లోనూ అవకాశాల్లోనూ సమానత్వాన్ని చేకూర్చుటకు వారందరిలో వ్యక్తి గౌరవాన్ని జాతీయ సమైక్యతను సంరక్షిస్తూ సౌభ్రాతృత్వాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి 1949 నవంబర్ 26 మన రాజ్యాంగ పరిషత్తుల్లో ఎంపిక చేసుకొని శాసనంగా రూపొందించుకున్న ఈ రాజ్యాంగాన్ని మాకు మేమే ఇచ్చుకున్నాం. భారత్ కా ఆయిన్ తమ్హీద్ हम भारत के अवाम मतानत और संजीदगी से अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुक्तदिर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाए और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करे इंसाफ यानि समाजी मुआशी और सियासी आज़ादी ख्याल यानि इजहार अकीदा दीन और इबादत मसावत बा एतबार हसियत और मौका और इन सब में अख़ुवत को तरक्की दे जिससे फ़र्द की अज़मत और कौम के इतिहाद और सालमियत का तयक्कुन हो। अपने आइन साज असम्बली में आज 26 नवंबर 1949 को ये आइन ज़रिए हाजा इख्तियार करते हैं वज़ा करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं।